बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तशरीफ फरमा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर साहिबान, ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल, तमाम असातिज़ा, हाजरीन और मुअज्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़्ल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब की दुआएं। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम यहाँ उम्मत के ख़वातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज आज यहाँ फातिमा ओएसी एजुकेशन कैंपस में होने जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें हम लड़कियों और ख़वातीन को ब्यूटिशियन, मेहंदी डिज़ाइन और स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल्स और ऐसे हुनर की स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सिलसिला सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से पिछले 20 साल से हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में चल रहा है, जैसे कि पापा नगर के स्कूल में, नशीमन नगर के स्कूल में, फूलबाग के स्कूल में। इस ट्रेनिंग के जरिए तकरीबन 2 लाख ख्वातीन को फायदा हुआ और उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उनको सुइंग मशीन्स और ब्यूटिशियन के किट्स भी दिए गए। हबीब मिल्लत और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट का शुरू से यही कोशिश थी कि हम तालीम के मैदान में काम के साथ ही साथ मुसलमान ख्वातीन को भी कोई ना कोई हुनर की ट्रेनिंग दें, क्योंकि इस्लाम ने ख्वातीन को घर में बंद कर नहीं रखा। इस्लाम ने ख्वातीन को आज़ादी दी कि वो इस्लामी दायरे में रह कर अपना काम करें। इस्लाम की तारीफ हमारे सामने है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख्वातीन अपने आप को किसी ना किसी हुनर से आरास्ता करती थी। जैसा अभी अजीज साहब ने कहा, हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जो थे वो तिजारत करती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के बारे में लिखा है कि वो चमड़े का यानी लेदर का जो होता था उसके चीज़ें बनाती थी और ये हुनर वो दूसरे ख्वातीन को भी सिखाती थी। और ये जो चीज़ें वो लोग बनाते थे, तो मदीने शरीफ के आगे बाजार है, बाजार पास, तो वो बाजार को ये सारी चीज़ें रवाना करते थे और उससे जो नफा जमा होती थी उससे वो लोग मदीने शरीफ को आए हुए मुसाफरीन और गरीबों की मदद करते थे। तो यहाँ जमा ख़वातीन से मेरी यही गुजारिश है कि आप इन इदारों का और इस वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी पर कोई परेशानी आए, तो हमारा मकसद यही है कि हमारे ख्वातीन अपने हुनर के जरिए पैरों पर खड़े रहें और अपने घर चलाएं और अपने रोजी रोटी का इंतजाम करें और खुद मुख्तलिफ बने। यहाँ देख सकता हूँ मैं कि थोड़े जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पर और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। यह एक अहम मोड़ है आपकी ज़िंदगी का। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने नवंबर की 1 तारीख से फ़ख्र मिल्लत एजुकेशनल कैंपस में और कनीज़ फ़ातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस में 10th और इंटरमीडिएट की कोचिंग का भी इंतजाम किया है और उसके साथ ही साथ एमसेट और नीट की कोचिंग भी। और ये आपकी पढ़ाई के साथ इंक्लूडेड है, तो आप जाइए और अपने आप को इनरोल कराइए और इसका भी फ़ायदा उठाइए। मैं ख़वातीन को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई बच्चे हैं या आपके भाई हैं तो उनको भी कहें ताकि वो नीट, एमसेट, इंटरमीडिएट और 10th की कोचिंग हासिल करें। तालीम और हुनर के मैदान में अभी भी मिल्लत की और सालार मिल्लत की एक छोटी सी कोशिश है, अल्लाह इस कोशिश को कामयाब फरमाए। इल्म और हुनर का ये जो बीज हमने बोया है, अल्लाह करे कि आगे चलकर ये फलदार दरख्त की शक्ल में। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके प्रति